हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटर और मैट्रिक की कॉपी कब से जांच होगी, और साथ में आपको बताएंगे कि कब तक रिजल्ट आएगा आप जब परीक्षा दे देंगे 2021 में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो बिल्कुल आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान पेपर में निकला है, आपको यहाँ पर डेट भी दिखाया जाएगा कि कब का ये न्यूज़ है। तो आप लोग वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ऊपर ले चलते हैं और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि ये कब का पेपर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आज ही का यहाँ पे डेट लिखा है, यहाँ पे 9 दिसंबर 2020, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं 9 दिसंबर, यहाँ पे 20 लिखा है, आज बुधवार है। तो आज ही का ये न्यूज है और यहाँ पे ऑफिशियल न्यूज पेपर है यहाँ पे हिंदुस्तान का। तो आइए यहाँ पे दिखाते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि इंटर की कॉपियों की जांच 26 फरवरी से, यानी देखिए यहाँ पे एक फरवरी से यहाँ पे परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद जब परीक्षा समाप्त होगा तो यहाँ पे 26 फरवरी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कॉपी होगा वो यहाँ पे जाँच होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैट्रिक का कब से होगा, तो इसमें भी लिखा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा और मैट्रिक परीक्षा 2021 की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए जिला मुख्यालय में केंद्र बनाए जाएंगे। यहाँ पे देखिए इंटर और मैट्रिक के यहाँ पे जो उत्तर पुस्तिका होगी जिस पे आप लिख के आए होंगे उसके जांच के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जिला मुख्यालय में केंद्र बनाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हर जिले में मूल्यांकन केंद्र बनेगा, और हर जिला होगा मतलब सभी जिलों में यहाँ पे क्या होगा, मूल्यांकन केंद्र बनेगा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, काफी महत्वपूर्ण बात लिखा है, तो आप लोग वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यहाँ पे लिखा है इंटर के लिए 7 और मैट्रिक के लिए 7 मूल्यांकन केंद्र रहेगा। यहाँ पे देखिए इंटर के लिए और मैट्रिक के लिए साथ साथ मूल्यांकन केंद्र रहेगा। मूल्यांकन केंद्र कहाँ होता है, जहां पे कॉपी जांच होता है। और आगे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे बिहार बोर्ड की माने तो इंटर का मूल्यांकन 26 यहाँ पे 26 फरवरी से 2021 से, और यहाँ पे देखिए मैट्रिक का मूल्यांकन 5 मार्च 2021 से शुरू होने की संभावना है। जो यहाँ पे देखिए इंटर का परीक्षा कब से है, तो यहाँ पे इंटर की परीक्षा शायद एक फरवरी से है, और यहाँ पे देखिए 1 या 2 फरवरी से है। तो उसका यहाँ पे जब आपका परीक्षा हो जाएगा तो आपका इंटर का यहाँ पे देखिए 26 फरवरी से कॉपियों का मूल्यांकन होगा, और यहाँ पे देखिए मैट्रिक का कब से परीक्षा है, तो 17 फरवरी से है शायद। तो 17 फरवरी से जो परीक्षा होगा, जब परीक्षा खत्म हो जाएगा तो उसका मूल्यांकन कब से होगा, 5 मार्च से यहां पे मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। और साथ में हम आपको बताएंगे कि कब तक आपका रिजल्ट आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे यहाँ पे देखिए मूल्यांकन केंद्रों को लेकर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखा है। इस पत्र में बिहार बोर्ड ने सभी जिलों के मूल्यांकन केंद्र निर्धारित करने का निर्देश दिया है। मूल्यांकन केंद्र निर्धारित करने के बाद केंद्र की सूचना बोर्ड के पास भेजनी है। निर्धारित मूल्यांकन केंद्र के नाम के साथ केंद्र का निर्देशक का नाम, और यहाँ पे देखिए उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल नंबर और ईमेल आईडी नंबर और बैंक खाता नंबर की भी विवरण मांगा गया है। तो एकदम बहुत ही बढ़िया तैयारी कर दिया गया है, और अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि रिजल्ट कब तक आपका आएगा। और बहुत ही अच्छी बात है कि रिजल्ट बहुत ही तेजी से आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 15 दिनों में समाप्त करना होगा मूल्यांकन, यहाँ पे देखिए 15 दिनों में समाप्त करना है मूल्यांकन, यानी 15 दिन में आपका जो उत्तर पुस्तिका है तो उसका यहाँ पे जांच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 26, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इंटर का 26 फरवरी से यहाँ पे कॉपी जांच हो रहा है, तो 26 में आप 15 जोड़ दीजिए, यानी 10-11 तारीख अगले महीने में 10 या 11 तारीख को यहाँ पे कॉपी का समापन हो जाएगा, और 1 हफ्ता लगता है आपका यहाँ पे डाटा लोड करने में कंप्यूटर में, तो एक मतलब 5 से 7 दिन उसका लगेगा। यानी यहाँ पे देखिए 20 मार्च तक इंटर का यहाँ पे देखिए रिजल्ट आने का पूरा पूरा संभावना है। अगर ऐसे चला तो 20 मार्च तक इंटर का यहां पे रिजल्ट आ जाएगा। और वहीं पे देखिए अगर मैट्रिक का यहां पे देखिए 5 मार्च से कॉपी यहां पे जांच करना शुरू होगा, तो इसमें आप लोग जोड़ लीजिए 15 दिन लगेगा कॉपी चेक करने में, तो 20 दिन यानी मार्च के अंत तक आपको यहाँ पे 30 मार्च या अप्रैल के यहाँ पे प्रथम सप्ताह में आपका यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा, मात्र 15 दिन में। ये सबसे बड़ी बात है कि 15 दिन में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपी चेक हो जाएगा। और बहुत ही ये बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। नहीं तो पहले रिजल्ट मई में आता था, अप्रैल के लास्ट में आता था, तो ऐसा अब आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये न्यूज आपके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए यहाँ पे
26 फरवरी से शुरू होगा मूल्यांकन, 15 दिनों में संपन्न होने की संभावना, यानी 15 दिनों में ही संपन्न कर लिया जाएगा। लेकिन मुख्य भाषा विषयों की उत्तर पुस्तिका के लिए अतिरिक्त 5 दिन दिए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए वही मैट्रिक की उत्तर यहाँ पे पुस्तिका का मूल्यांकन 20 मार्च तक समाप्त होने की संभावना है। और यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कि 5 मार्च से यहाँ पे देखिए शुरू होगा यहाँ पे मैट्रिक का यहाँ पे कॉपी जांच करना, और वो कब तक समाप्त होगा तो 20 तारीख तक। और 20 तारीख के बाद जब इसका यहाँ पे समाप्त मतलब जाँच हो जाएगा तो इसमें 5 से 7 दिन या 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगता है आपका डाटा लोड करने में कंप्यूटर पे, और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी मार्च में आपका रिजल्ट 100% आने वाला है। अगर मार्च में नहीं आया तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मैट्रिक का यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, और जो इंटर का रिजल्ट है वो यहाँ पे मार्च में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही तेजी से काम होने वाला है और इस पर अभी से ही जोर दे दिया गया है। तो ये न्यूज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इस न्यूज को आप लोग क्या कीजिएगा कि पूरे अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आगे क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये क्या है, यहाँ पे बिहार बोर्ड का यहाँ पे ऑफिशियल यहाँ पे न्यूज़पेपर है, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम जूम किए हैं, इसको जूम आउट करते हैं हम, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पटना का ये न्यूज़पेपर है, और यहाँ पे देखिए बुधवार है आज, 9 दिसंबर 2020 का ये पेपर है, पेज नंबर 6 पे है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इंटर टेली काउंसिलिंग चल रहा है, वो भी आपको यहाँ पे पता होगा, और न्यूज यहाँ पे है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हम यहाँ पे आपको यहाँ पे न्यूज बताए हैं। तो ये वाला न्यूज था जिसे हम लोग जूम करके बता चुके हैं। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि मैट्रिक का कब से यहाँ पे कॉपी जाँच होगा, और इंटर का कब से यहाँ पे कॉपी का मूल्यांकन होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छी होगी, और इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा और यहां पे कब तक आपका कॉपी जांच होगा। और परीक्षा में काफी कम समय बचा है, तो आप लोगों को अगर तैयारी करना है तो आस्क क्लास स्टडी चैनल पे बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहां पे चैनल में अंदर जाके आप लोग देख सकते हैं, यहां पे बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसका बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराया जा रहा है, और उसका पीडीएफ भी दिया जा रहा है। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो इस न्यूज को अपने दोस्तों के पास जरूर सेंड कीजिएगा कि यहां पे देखिए कब तक रिजल्ट आएगा और कब तक यहां पे कॉपी जांच हो जाएगा पूरा, तो इससे बताने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।